नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके, यूट्यूब चैनल हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेंड करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के पेड़ को फुल पेड़ को भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड़ को भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 5600906089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट कर सकते हैं 7868। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। ठीक है, देखिए संवेग है जो वो द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन क्या होगा, वो होगा MLT-1। ठीक है, और बल होता है आपका द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा MLT-2। और आपका कार्य हो गया वो होता है आपका बल गुणा विस्थापन, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, या इसकी हो जाएगी न्यूटन मीटर, या फिर इसको आप जूल भी कह सकते हैं। ठीक है, जूल एक तरह से ऊर्जा का मात्रक भी माना जाता है। ठीक है, और इसकी जो डायमेंशन की बात करें तो वो हो जाएगी MLT-2। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन में। आंसर इसका हो जाएगा डी, तीनों ही सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। नैनो 10^-9, बिल्कुल सही। पीको होता है जो वो होता है 10^-12। ठीक, फेमटो होता है आपका 10^-15, और ऑटो होता है आपका 10^-18। ठीक है, ये कुछ यूनिट्स हैं जो कई बार पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो यहाँ पर सिर्फ पहला ही सही है, बाकी तीनों गलत हैं। आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रडार है ना, रडार क्या होता है, रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक, रेंजिंग। तो रडार सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति पता लगाने में कार्य करता है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, वायुयानों के परिचालन में हेतु जो हवाई अड्डों पर इसका प्रयोग किया जाता है ना, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट रडार को लेकर के सही है, सत्य वाला पूछा था, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है, है ना, समुद्री जहाज की गति, तो मैक है, नॉट है, डॉप्सन है या क्यूसेक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका नॉट। ठीक है, नॉट, ये क्या, एक समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहा जाता है, क्या, एक समुद्री मील प्रति घंटा। ठीक है, अब मैक किसकी यूनिट है, डॉप्सन किसकी यूनिट है, और क्यूसेक किसकी यूनिट है, ये आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, सोनार पराश्रव्य तरंगों के उपयोग में समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में सहायक उपकरण होता है। सोनार होता क्या है, सोनार की फुल फॉर्म बताइए, सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, क्या, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक, तो आप ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा देखिए, पनडुब्बी के नौवहन में इसका उपयोग किया जाता है ना, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सत्य वाला पूछा था, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस द्रव का प्रयोग है जो वो बैरोमीटर में किया जाता है। तो पहले तो देखिए, बैरोमीटर होता क्या है, बैरोमीटर होता है आपका वायुमंडलीय दाब को मापने का एक यंत्र होता है। ठीक है, तो इसमें आपके जल का प्रयोग भी होता है, पारे का भी होता है, और हवा का भी होता है। ठीक है, लेकिन जो मेनली होता है वो पारे का प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा जो प्रचलित है। ठीक है, तो आंसर इसका तीनों होगा, डी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है। देखिए, लक्स मीटर है जो प्रकाश तीव्रता मापने में यूज होता है, सही स्टेटमेंट है। हाइग्रोमीटर मतलब आर्द्रता है ना, और ह्यूमिडिटी, ये भी सही हो गया। और फेदोमीटर है जो वो समुद्र की गहराई, ये भी सही है ना, तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, यंग का जो प्रत्यास्थता गुणांक है उसके बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है, तो यानी कि कठोरता के बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है, तो हो गया क्या, रबर, लकड़ी, शीशा और दांत का एनेमल। ठीक, तो ये सब क्रम में ही लगे हुए हैं, आंसर ए हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। अगला देखिए, जो द्रव कांच को भिगोते हैं वह कांच की केश नली में नीचे की ओर गिरते हैं, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि वो ऊपर की ओर चढ़ते हैं, एग्जाम्पल इसका आप जल को ले लीजिए। ठीक है, और जो द्रव कांच
को नहीं भिगोते, वो कांच की केश नली में ऊपर की ओर चढ़ते हैं, ये भी गलत हो गया क्योंकि वो नीचे की ओर गिरते हैं। इसका एग्जाम्पल आप पारा ले लीजिए, ठीक। तो ये दोनों ही गलत हो गए, आंसर डी हो जाएगा, ना ही एक ना ही दो। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, ठीक है, तो दाब बढ़ने पर उनका गलनांक है जो वो कम हो जाता है। देखिए, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है उनका दाब बढ़ने पर गलनांक है जो वो भी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल आपका मोम हो जाएगा, घी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है, तो ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि गर्म करने पर जिनका आयतन घटता है दाब बढ़ने पर उनका जो गलनांक है वो भी कम हो जाता है, जैसे कि बर्फ, ठीक। तो दोनों ही गलत है, सत्य वाला पूछा था, आंसर डी हो जाएगा यहां पर। अगला देखिए, दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ता है जब प्रेशर बढ़ता है, तो देखिए सभी द्रवों का जो क्वथनांक है वो दाब के बढ़ने पर बढ़ जाता है, ठीक। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, एक परमाणु कैसे अष्टक को प्राप्त करता है, है ना, ऑक्टल डिजिट को प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल एक्सेप्ट करके और डोनेट करके, दोनों तीनों ही तरीके होते हैं जिनसे अष्टक को प्राप्त किया जा सकता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, हाइड्रोजन की खोज आपके हेनरी कैवेंडिश सही है, प्रोटोन गोल्डस्टर्न ये भी सही है, और परमाणवीय नाभिक रदरफोर्ड ये भी सही है, ठीक है। तो प्रोटोन की जो खोज है वो गोल्डस्टर्न ने की है और नामकरण है जो वो रदरफोर्ड ने रखा था इसका, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आफबाउ नियम की सहायता से लगभग सभी तत्वों को सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए जा सकते हैं, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, तत्वों की ऊर्जा के घटते हुए क्रम में SPDF ब्लॉक्स में बांटा गया, तो ये गलत है क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में बांटा गया था, बढ़ते हुए क्रम में, तो ये वाला गलत, पहला सही आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, परमाणु क्रमांक 18 है जो, है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो शेल नंबर K में आपके 2 आ जाएंगे, L में आपके 8 आ जाएंगे, और शेल नंबर M में है जो उसमें भी 8 आ जाएंगे, ठीक, 2, 8, 8, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ड्यूट्रियम की द्रव्यमान संख्या है जो वो 4 होती है, नहीं 2 होती है, ठीक है, ये गलत हो गया। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, सही स्टेटमेंट है, और इसका जो सामान्य स्रोत है वो ड्यूट्रियम ऑक्साइड D2O, ठीक, तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, आंसर बी होगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक धातु है, है ना, मेटल्स कौन कौन से हैं इसमें से, एल्युमिनियम, फास्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम, तो इन सब में से फास्फोरस को छोड़ करके बाकी सब मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे, आंसर आ जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सर्वप्रथम आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, मेंडेलीफ, मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल है ना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, यह वर्गीकरण तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया था, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये किया गया था उस वक्त परमाणु भार के आधार पर, है ना, और फिर मोसले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर किया, और उसी मोसले वाली पीरियोडिक टेबल को ही हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका, दूसरा गलत पहला सही, आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखिए धातुओं को चादर के रूप में बदलने के गुण है जो उसको तन्यता कहा जाता है, चादर के रूप में जिसको बदलते हैं तो उसको मेलिएबिलिटी कहा जाता है ना, और ये है जो डक्टिलिटी, वो क्या होता है कि तार के रूप में जब बदला जाता है ना, शीट्स की फॉर्म में मेलिएबिलिटी और तार की फॉर्म में मतलब वायर्स की फॉर्म में आपका डक्टिलिटी, ठीक है। तो देखिए, धातुओं को तार के रूप में बदलने के गुण को आघात वर्गनीयता कहा जाता है, मतलब मेलिएबिलिटी, तो ये दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ठीक है, उल्टे मिसमैच्ड हैं दोनों, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। रेडॉन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखिए रेडॉन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है, सही है, यह नोबल गैस की श्रेणी में सम्मिलित है, ये स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा देखिए, यह आवर्त सारणी का 18वां कॉलम है, ये भी सही है, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 86 और परमाणु भार है आपका 222, ठीक, चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, अल्युमिनियम से संबंधित कथनों पर विचार करें, अल्युमिनियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये गलत है क्योंकि मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता अल्युमिनियम, ठीक है,
और दूसरा देखिए, संयुक्त अवस्था में यह धातु विभिन्न अयस्कों के रूप में पाया जाता है, ये सही है। और एल्युमिनियम के जो मुख्य खनिज है वो क्या है, बॉक्साइट हो गया आपका, फेल्डस्पार हो गया, क्रायोलाइट हो गया, है ना, तीनों ही है। आंसर 2 और 3 बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोडियम पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्राकृतिक तत्व है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये 6th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ पर पाया जाने वाला, और आपका प्रयोगशाला में पूर्ण शुद्ध सोडियम है जो, वो सर हेनफ्री डेवी ने 1807 में पृथक्करण क्रिया से प्राप्त किया। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, दोनों ही सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये जो कथन है कि रेलवे की पटरियां जो कि लोहे की बनी होती हैं, उन्हें जोड़ने के लिए लोहे को विस्थापित करने हेतु अपचायक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम का। अब एल्युमिनियम का प्रयोग क्यों करते हैं, वो इसका कारण होगा, क्योंकि अत्यधिक ऊष्मा के कारण क्या होता है, लोहे के ऑक्साइड बनाने से इसका अपचायन एल्युमिनियम धातु द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, जर्मन सिल्वर है जो, उसमें सिल्वर नहीं होता, ये सही बात है। ठीक, और उसमें क्या होता है, तांबा होता है कितना, 60%, और जिंक होता है आपका 20%, और निकिल होता है आपका 20%। ठीक, तो ये एक एलॉय है, मिक्स्ड धातु है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से पीतल के रंगहीन होने का क्या कारण है। देखिए, पीतल मिलके बनता है किससे किससे, जिंक और कॉपर से, तो ये स्टेटमेंट आपका जिंक से रिलेटेड हो गया, और ये वाला आपका कॉपर से रिलेटेड। ठीक है, देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में जो जिंक होता है, वो हाइड्रोजन से क्रिया करके बद्दे लाल रंग का जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, और कॉपर सल्फर से क्रिया करके काले रंग का कॉपर सल्फाइड बनाता है। ठीक, तो सत्य वाला इसमें पूछा था, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगर कभी कोई डायरेक्ट आए और ऑप्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा हो, ठीक है, तो वो भी इसका सही है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, तो अगर कोई पूछे कि पीतल के रंगहीन होने का क्या कारण है, तो आंसर इज हाइड्रोजन सल्फाइड, एक वर्ड में अगर पूछे तो। ठीक, स्टेटमेंट में ये रीजन है उसका, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तांबा है जो आपका मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, सही स्टेटमेंट है, और इसको ऑक्सीकरण के द्वारा शुद्ध किया जाता है, ये गलत हो गया, क्योंकि इसको क्या है कि विद्युत अपघटन, ठीक है, अपघटन के द्वारा शुद्ध किया जाता है, अपघटन। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1 ए आंसर। अगला देखिए, पेरिस्कोप जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके, परावर्तन के। ठीक, दूसरा देखिए, इनका उपयोग पनडुब्बी युद्धपोत में छिपे सैनिकों द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, ये वाला सही है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कथनों पर विचार करिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, लाइज ऑन द सेम प्लेन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, आत्मन कोण और परावर्तन कोण से बड़ा होता है, ठीक है, आत्मन कोण है जो परावर्तन कोण से बड़ा नहीं होता, वो उसके बराबर होता है। ठीक, बराबर, तो ये वाला हो गया गलत, पहला वाला सही, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये वाला सही है। दूसरा देखिए, प्रकाशीय फाइबर में तीन चीजें होती है, कोर, क्लैडिंग और कोटिंग, ठीक, तीनों चीजों से मिलकर के बनता है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, सत्य वाला पूछा था, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले देखिए, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनके फॉर्मूलाज में क्या होते हैं। देखिए, बॉयल्स का नियम है, वो होता है प्रेशर के इन्वर्सली, प्रेशर और वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये वाला सही हो गया, इसके साथ मिल गया। चार्ल्स का नियम होता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना, वॉल्यूम और टेम्परेचर है जो, वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और गे-लुसाक का नियम है जो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और आपका अवोगाद्रो का है वो हो गया वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, तो ये सभी सही मैच्ड हैं, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोजिला फायरफॉक्स नहीं, ये तो ब्राउजर है। ठीक है, उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये है, लाइनेक्स भी है और एप्पल मैक्स भी है ना, तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये 2, 3 और 4 यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टेलनेट का तात्पर्य होता है क्या, फुल फॉर्म क्या है इसकी, टेलीफोन नेटवर्क नहीं, इसकी फुल फॉर्म है टेली टाइप नेटवर्क। ठीक है, तो ये हो गया आपका गलत। दूसरा देखते हैं,
टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क पर दूरस्थ कंप्यूटरों को जोड़ने की अनुमति देता है। ये वाला सही है ना, तो सत्य वाला पूछा था, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये बूटिंग से संबंधित है, कई बार सुना होगा कि बूट हो रहा है सिस्टम, है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? देखिए, सिस्टम को बूट करने का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ठीक, और कंप्यूटर के ऑन होने पर मॉनिटर स्क्रीन पर डेस्कटॉप प्रदर्शित होने तक की जो प्रक्रिया है उसको ही हम बूटिंग कहते हैं, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, वार्म बूटिंग कोल्ड बूटिंग दो होते हैं, तो उसमें वार्म बूटिंग है जो वो क्या है, किस तरह से किया जाता है, ऑन ऑफ बटन दबा करके, तो ये होता है आपका कोल्ड बूटिंग, ठीक है, और रीसेट बटन दबा करके रीस्टार्ट करना, और ये तीन बटन एक साथ दबा देना है ना, ऑल्ट CTRL और डेल की, ये तीनों जब एक साथ दबा, तो इन दोनों को क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर 2 और 3, बी आंसर है इसका। अगला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो डिक्रीज इंडेंट कमांड होता है वो पैराग्राफ को बाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है, दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है, दोनों ओर खिसका सकते हैं या ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, तो डिक्रीज कमांड से आप बाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, लार का जो अमाइलेज है वो प्रोटीन को खंडित करने का काम करता है, तो ये गलत है क्योंकि स्टार्च को खंडित करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा देखिए, ट्रिप्सिन है जो वो अग्नाशय रस में उपस्थित होता है, ये वाला सही है, आंसर हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, मोलासे का प्रयोग एथेनॉल तैयार करने के लिए किया जाता है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, ईस्ट एक कवक है, ये भी सही है, और आपका किंडवन अनेक प्रकार का अवायवीय श्वसन है, मतलब फर्मेंटेशन इज वैरायटी ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी सही है, ठीक है, एनारोबिक है ये ना, एरोबिक नहीं है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, दांत के इनेमल का कार्बोनेट मतलब मॉडलिंग ऑफ टीथ है जो पानी के उच्च मात्रा में जो क्लोरीन जो मिक्स कर दिया जाता है तो उसके कारण होता है, तो ये गलत हो गया क्योंकि फ्लोरीन के कारण होता है, फ्लोरीन, ठीक है, तो ये हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, दूध में पाया जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन है उसको कैसीन कहते हैं, ये सही है, आंसर हो जाएगा इसका ओनली टू। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जीभ में क्या होता है कि टेस्ट बड्स अलग अलग छोर पर होते हैं ना, मीठे का अलग, नमकीन का अलग, कड़वे का अलग, खट्टे का अलग, है ना, तो वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, जीभ का जो पार्श्व किनारा है उस पर खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ये एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है बेसिकली। देखिए, मीठे का अनुभव अग्रछोर पर किया जा होता है, ये भी सही है, नमकीन का अनुभव अग्रछोर एवं उनके किनारों पर होता है, ये भी सही है, और कड़वे का पार्श्व भाग में होता है, ठीक, तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, आहार नली में क्या शामिल है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल, ये देखिए एक लंबी नली ये होती है, ठीक है, और ये मुंह से शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद फायरिंग्स, फिर उसके बाद एसोफेगस, फिर उसके बाद स्टमक, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, ठीक है, यहाँ पर एंड हो जाता है, तो सातों में से कभी भी कुछ भी आ जाए तो आपको मानना है कि वो एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है, सभी है इसमें इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, एंजाइम कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो ये गलत हो गया क्योंकि कार्बनिक पदार्थ होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। दूसरा देखिए, एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक क्या नाम है, कुहने ने की थी, ये वाला सही है, तो 1 और 3 सही है इसमें, दूसरा गलत है क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, पशु, ये कथन है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि ये अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, ठीक, दोनों ही सही है और सही इसकी व्याख्या भी करता है, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें, आयोडीन घेंगा, ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, नियासिन पेलेग्रा और विटामिन B12 आपका परनीशियस एनीमिया यानी प्रणालशी रक्ताल्पता, ठीक है, तो ये चारों ही सही मैच्ड है, आंसर इसका ए हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और जितने भी विटामिन ए से लेकर के विटामिन डी तक के है ना, ये किसी भी बुक में आपको टेबल की फॉर्म में मिल जाएंगे, नहीं मिले तो इंटरनेट से देख लीजिए, और इनको सबको एक बार रिवाइज कर लीजिए, किससे बायोटिन होता है, बायोटिन क्या होता है, आपका रेटिनॉल क्या होता है ना, पेंटोथेनिक एसिड क्या होता है, नियासिन क्या होता है, ये सब आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। अगला कथन है कि लिवर है जो वसा विटामिन का भरपूर स्रोत है, सही है। दूसरा, लिवर की कोशिकाओं में वसा घुलनशील विटामिन का संग्रह होता है ना, ये इसका कारण है, ठीक है, तो ये सही कारण है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर ए हो जाएगा।
केराटिन निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? बाल में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है, सींगों में पाया जाता है या ऊन में पाया जाता है? तो देखिए केराटिन है जो वो एक रेशेदार प्रोटीन होता है, ठीक है, तो ये इन सब में पाया जाता है। आंसर इसका डी होगा। अगला देखिए, प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? पॉज कीजिए, आंसर कीजिए आराम से। सोयाबीन और मूंगफली, मांस और दूध, दूध और सब्जियां, मछली और अंडा। तो देखिए सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक, सोयाबीन और मूंगफली, ठीक, आंसर ए। अब ये देखिए वही जो अभी आपने रिवाइज किया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। विटामिन बी वन है जो वो थायमिन हो जाएगा, बी टू है वो राइबोफ्लेविन हो जाएगा, आपका डी है जो वो रिकेट्स होता है उससे विटामिन डी की कमी से, और विटामिन बी ट्वेल्व है वो आपका साइनोकोबैलामिन हो जाएगा, ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, विटामिन डी से संबंधित कथनों पर विचार करें। विटामिन डी हार्मोन के रूप में कार्य करता है, सही स्टेटमेंट है, और इसका कार्य भोजन में कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण करना होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, लोहे की कमी से निम्नलिखित में से कौन से रोग हो सकते हैं? ठीक है, देखिए सब जानते हैं कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ठीक, तो ये तो सही हो गया। अगला देखिए, ग्वाइटर, पोलियो, रिकेट्स, ठीक है, तो देखिए बुक्स में जनरली नहीं मिलता, लेकिन 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें एनीमिया आंसर में ही ऑप्शन में ही नहीं था, लेकिन ग्वेटर ऑप्शन में था, ठीक है, तो उसका आंसर ग्वेटर को माना गया था, और उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि लोहे की कमी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थायराइड ग्रंथ की जो क्रिया है वो भी प्रभावित होती है, ठीक है, तो एनीमिया के अतिरिक्त ग्वेटर के लिए भी ये जिम्मेदार होता है आयरन, ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों सही है, आंसर बी हो जाएगा इसका, ये याद रखना है आपको। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? देखिए अस्थियों का अध्ययन विज्ञान ऑस्टियोलॉजी हो गया, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी हो गया, बच्चों का विज्ञान विशेषज्ञ हो गया जो पीडियाट्रिशियन कहते हैं उसको, और आंखों का जो विशेषज्ञ हो गया उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ना कि ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होता है? जो कैंसर स्पेशलिस्ट, ट्यूमर स्पेशलिस्ट जो होते हैं, ठीक है, तो ये वाला गलत है, आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 और 3, यानी ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए, ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए, जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।